इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा जजपा व हलोपा के संयुक्त उम्मीदवार रहे गोविंद कांडा ने आज इलाहाबाद में धन्यवादी दौरा किया। मतदाताओं का आभार जताने पहुंचे इलाहाबाद के इनफॉर्मल विधायक गोविंद कांडा ने न केवल अपार जन समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया बल्कि अनाज मंडी में दुकान नंबर 25 में अपने कार्यालय का शुभारंभ भी किया। गौरतलब है कि इलाहाबाद में गोविंद कांडा को मिले शानदार जन समर्थन में उत्साहित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें इनफॉर्मल विधायक बताया। भाजपा नेता गोविंद कांडा इलाहाबाद में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और उपचुनाव में मिले तकरीबन 60,000 वोटों के लिए आभार जताने सुबह सवेरे ही अपने काफिले के साथ इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में आए हलके के गांव माधो सिंगाना व फोड़का के ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। मालाएं पहनाकर गोविंद कांडा का स्वागत किया गया। कांडा ने भी हाथ जोड़कर ग्रामीणों का अपार जन समर्थन के लिए आभार जताया। अपना आशीर्वाद दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं भाई गोविंद कांडा जी। आपसे निवेदन है अधिकाधिक संख्या में आकर उनको फिर से अपना इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्यारे बहनों और भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों आशीर्वाद है। आपका धन्यवाद करने के लिए आपका आभार व्यक्त करने के लिए को अपना आशीर्वाद दें और फिर से उनको सहयोग देने का विश्वास दें। धन्यवाद। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा विधानसभा क्षेत्र के प्यारे बहनों और भाइयों आपका धन्यवाद करने के लिए आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं भाजपा जजपा और हलोपा के उपचुनाव में आपने जो भाई गोविंद कांडा जी को अपना सहयोग दिया समर्थन दिया सलाह दिया समर्थन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं भाजपा जजपा और हलोपा के उम्मीदवार रहे भाई गोविंद कांडा जी। तो आपसे भी निवेदन है आपसे उनको सहयोग देने का विश्वास दें। धन्यवाद। करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं